पीकॉक का भी अंडे देते हुए देखा है? पीकॉक नहीं, पीहन, सॉरी पीहन अंडे देती है, पीकॉक अंडे नहीं देता। पर पीकॉक तो रमेश ने पाला था ना, फिर उसका पीकॉक सुरेश के बगीचे में चला गया ना। तो पर पीकॉक ने तो अपने तो अंडे दिए, उसने किसी और के थोड़ी ना दिए। कौन सी ऐसी चीज है जो बिना बुलाए आ जाती है? गाड़ी। जो कहीं पे भी बिना बुलाए आ जाती है? ऑक्सीजन। रमेश के पीकॉक ने सुरेश के बगीचे में अंडे दिए, तो बताओ अंडे किसके हुए? किसके हुए? पीकॉक के हुए। अच्छा रुकना इधर ही, किसके हुए? पीकॉक के हुए। अच्छा चलो ठीक। वो कौन सी ऐसी चीज है जो बिना बुलाए आ जाती है? ये मैम। ये सुरेश के बगीचे में अंडे दिए, तो अंडे किसके हुए? सुरेश तो अंडे देता ही नहीं है। क्या सर? तो जो सुरेश भी अंडे देता है। सर मैं बैकलोल टीवी को फॉलो भी करता हूँ, लाइक शेयर कमेंट सब करता हूँ सर। थैंक यू। और आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है मेरे। ओह माय गॉड, वाओ। हेलो, तो आज फिर मैं आप सबके अपने वेव मॉल में आई हुई हूँ। मेरे पास ये 10 मूवी टिकट वाउचर्स हैं। सो आज हम एक टिकट कॉन्टेस्ट करते हैं, जैसे पहले भी करते आए हैं। जो बंदा हमें कुछ कॉमन सेंस के क्वेश्चंस का सही आंसर और एंटरटेनिंग वे में आंसर देगा, ये मूवी टिकट्स उनकी होंगी और वे सिनेमाज में आए मूवी इंजॉय करें। तो चले आइए, चलते हैं। रमेश के पीकॉक ने सुरेश के बगीचे में अंडे दिए, तो बताओ अंडे किसके हुए? रमेश के पीकॉक ने सुरेश के बगीचे में अंडे दिए, तो अंडे किसके हुए? किसके हुए? पीकॉक के हुए। अगर रुकना इधर ही, किसके हुए? पीकॉक के हुए। नहीं, आंसर चेंज हो गया, पहले बताओ। पहले मैंने सुरेश के बोला था, लेकिन अब मैं समझ गया ना। अच्छा मतलब ये सारे वो ही चलेंगे जो हमारी सरकार एक आंसर देगी, हम वही देंगे? सोचो अपना अपना इंडिविजुअल माइंड लगाओ। आपका क्या आंसर? पीकॉक के। जो एक आगे पार्टी तो ट्विंस हो। रमेश के पीकॉक ने सुरेश के बगीचे में अंडे दिए, तो बताओ अंडे किसके हुए? पीकॉक अंडे देता है। पीकॉक के? हाँ। कैसे? क्योंकि पीकॉक ने तो अंडे दिए, उसके ही तो हो गए। पर पीकॉक तो रमेश ने पाला था ना, फिर उसका पीकॉक सुरेश के बगीचे में चला गया ना। तो पर पीकॉक ने तो अपने तो अंडे दिए, उसने किसी और के थोड़ी ना दिए। क्या सुनो, बोलो बोलो। पीकॉक अंडे देते क्या? आपने कभी किसी चार्ट में देखा पीकॉक को अंडे देते हुए? नहीं। फिर रमेश के पीकॉक ने सुरेश के बगीचे में अंडे दिए, तो बताओ अंडे किसके हुए? अंडे पीकॉक के हुए। पीकॉक के हुए? ओके। किसके हुए? सेम पीकॉक। सेम तेरे वाला। सेम पीकॉक का भी अंडे देते हुए देखा है? देखे हैं? रमेश के पीकॉक ने सुरेश के बगीचे में अंडे दिए, तो बताओ अंडे किसके हुए? रमेश के पीकॉक ने सुरेश के बगीचे में अंडे दिए। पीकॉक को अंडे देते हुए देखा है? मैं पीकॉक को देखा ही नहीं अभी तक, गया नहीं कहीं। हमारा नेशनल बर्ड क्या है? हाँ, वो पीकॉक है, लेकिन तो वो तो फोटो में तो देखा होगा। फोटो में अंडे कहाँ देगा, प्रैक्टिकल और फोटो में डिफरेंस रहेगा। ओके, पीकॉक के हुए। सॉरी, सुरेश के। सुरेश के हुए। जिसके बगीचे में अंडे दिए, मालिक के हुए। अच्छा चलो ठीक। वो कौन सी ऐसी चीज है जो बिना बुलाए आ जाती है? ये मैम। ये बिना बारिश। ये आंसर नहीं है, बिना बुलाए डेली आती है। रोशनी मैं तो नहीं बुलाती, कोई और बुलाता था। मौत।
रियलिटी है। इतना दिमाग लगा के ये बच्चा आंसर दे रहा है ना, टिकट इसके तो बनती है, पर सोचो और क्या, मौत कहीं पे भी अभी भी खड़े खड़े बिना बोलना नहीं चाहिए, आपको भी वो चीज घर जाके आ जाएगी, पर वो मौत तो नहीं ना हुई, फिर सोचो देख ले, मम्मी पापा तो लेके नहीं जाएंगे, तो लेके जाएगा, बिना बुलाए सबको आती है वो चीज। ओ भाई मारो मुझे मारो, बंदे ने इतनी इज्जत दी है ना, उनको बुलाना कहाँ पड़ता है, मैं पता नहीं बोल रही किसी होंगी वो ऐसी चीज है जो आपको घर जाके भी आ जाएगी। मम्मी मम्मा कैसे जिस कोई चीज करो, नहीं नहीं जो पहला थॉट आया वो जब हम कुछ ऐसा वैसा करने लगे तो मम्मा सबसे पहले आती है ना, यही सोच के बोल रहा है बिना बुलाए क्या आता है, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, मुसीबत है, मुसीबत आपके ऊपर आती है, आती है, आती रहती है, आती रहती है। लास्ट मुसीबत कौन सी आई थी, लास्ट मुसीबत बोलो बोलो क्या आई थी, हाँ वॉलेट, वॉलेट घूम गया था कहाँ, पहलगाम में, ऐसे मुसीबत सब पे नहीं ना आ सकती, वो सबको आ जाती है बिना बुलाए, मुझसे पूछो लड़कियाँ, अच्छा बिना बुलाए, आपके पास बिना बुलाए लड़कियाँ आ जाती है। आप सब एक बारी में खाली पेट कितने आम खा सकते हो, खाली पेट चैलेंज फॉर फूड चैलेंज थोड़ी दे रही हो, आप खाली पेट एक बारी में कितने आम खा सकते हो, कितने खा सकते हैं खाली पेट, बताओ ना, मैं एक ही, आप एक ही खा सकते हैं, तीन चार, तीन चार ज्यादा भी हो सकता है, पसंद है, हाँ पसंद है क्या 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 क्वेश्चन, कुछ ट्रिकी होगा ना, तभी तो पूछा है, उसका आंसर कुछ और होगा, आंसर तो दो अब सोचो तो सही, दो दो तीन तीन, अरे कहना क्या चाहते हो, इतना स्टैमिना है आप कितने खा सकते हो, दो या तीन ही, पर नहीं आंसर ये भी नहीं है, अगला सवाल ये, आप एक बार में खाली पेट कितने आम खा सकते हो, एक बार में खाली पेट कितने आम खा सकते हो, बार में आम तो मिलते नहीं है वहाँ तो, बार में आम नहीं मिलते, बार नहीं, बार सर का, एक बारी मतलब एक दफा खाली पेट कितने आम खा सकते हो, सोचो, हम उतने आम खा सकते हैं जितना वो बंदा आम खा सकता है, वो बंदा कौन, अच्छा आप कितने आम खा सकते हैं एक बारी में खाली पेट, एक एक ही क्यों, एक क्यों, एक क्यों, बताओ ना बताओ, एक ही, एक ही, आपको एक ही पसंद है, नहीं मैं एक ही खाता हूँ, एक ही आम खाता हूँ, चलो ठीक, आम वाले क्वेश्चन का सही आंसर ये था, ये मूवी टिकट आपकी होती है, वेव सिनेमास में जाएं, फ्री मूवी एंजॉय करें, 15 तक वैलिड है, ठीक है, थैंक यू मैम, ने सुरेश के बगीचे में अंडे दिए तो बताओ अंडे किसके हुए, रमेश के पीकॉक ने, हाँ। किसके बगीचे में, सुरेश के बगीचे में अंडे दिए तो बताओ अंडे किसके हुए, तो पीकॉक के ही है, पीकॉक के है, हाँ। पीकॉक के नहीं, पी हैन, सॉरी पी हैन अंडे देती है, पीकॉक अंडे नहीं देता, क्या बात है भैया, सही में सारे बोले कोई सुरेश ने दिए एक कोई, अच्छा पीकॉक अंडे देता है, भैया ने पहली बार में ही आंसर दिया, भैया पहले तो आप टिकट पकड़ो, ये सही में मूवी टिकट आपकी होती है, वेव सिनेमाज में जाओ कोई भी मूवी देखो, 15 तक वैलिड है कोई भी मूवी, एक बंदा एक वाउचर पे एक देख सकता है, इन मैम ने जो बिना बुलाए कभी भी कहीं पे भी आ जाती है उसका सही आंसर दिए, मूवी टिकट इनको आता है, वे सिनेमा में मूवी एंजॉय करें, थैंक यू मैम, सो इन सर ने वो कौन सी ऐसी चीज है जो बिना बुलाए आ जाती है उसका सही आंसर दिया, सर मूवी टिकट आपकी होती है, वेव सिनेमाज में जाएं, 15 तक ये वैलिड वाउचर है, मूवी एंजॉय करें, सिंगल खुश करो, बोलो देखो ये मैंने तेरे लिए लाई है, खुश करो खुद दुखी हो जाऊं, मम्मी पापा को नहीं मिलेगी इसको मिलेगी, पकड़ो मूवी टिकट है, वेव सिनेमास में जाना कोई भी मूवी देखना, 15 तक वैलिड है, तो
आज हमने वेव मॉल में कॉमन सेंस के क्वेश्चंस पूछे, मूवी टिकट कॉन्टेस्ट किया, कुछ ने फन वे में एंटरटेन भी किया, सही आंसर्स भी दिए। तो क्वेश्चंस के आंसर बता दूं, पहला क्वेश्चन ये था कि रमेश के पीकॉक ने सुरेश के बगीचे में अंडे दिए, तो बताओ अंडे किसके हुए। तो आंसर ये है कि पीकॉक अंडे नहीं देता है, अंडे पीहन के हुए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये था, आप एक बार में खाली पेट कितने आम खा सकते हो। इसका आंसर ये है, अगर आपने एक आम खा लिया तो उसके बाद तो आपका पेट खाली नहीं रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये था, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कभी भी कहीं पे भी सबको डेली आती है, बिना बुलाए आती है। तो उसका आंसर था नींद। सो इसी के साथ देखते रहिए बकलोल टीवी, अगले बार मैं फिर हाजिर होंगी मूवी टिकट कॉन्टेस्ट लेके। सो बाय बाय।